नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मिली हार शायद अभी तक आप लोग भूले नहीं होंगे, लेकिन उसी बीच अब एक बार फिर से टीम इंडिया मैदान पर उतरने वाली है और उसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरने वाली है जिसने वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया को 6 विकेट से करारी हार सौंपी थी। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। 23 नवंबर यानी कि गुरुवार से पहला मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। शाम 7 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। इससे एक दिन पहले टीम इंडिया विशाखापट्टनम में प्रैक्टिस करती हुई नजर आई और कप्तान टीम इंडिया के होंगे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को कमान सौंपी गई है, उप कप्तानी दी गई है ऋतुराज गायकवाड़ को। युवाओं से लैस ये टीम है जो प्रैक्टिस करने उतर रही है, जोश एक नया नजर आ रहा है। और मैच से पहले सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कहा है वो आपको बताएंगे, प्रैक्टिस का हाल बताएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस टीम इंडिया ने की है। वहां पर रिंकू सिंह नजर आ रहे थे, वहां पर जितेश शर्मा नजर आ रहे थे, ईशान किशन, अर्शदीप सिंह, तमाम जो खिलाड़ी थे वो प्रैक्टिस करने पहुंचे और काफी ज्यादा पसीना नेट्स में बहाते हुए दिखाई भी दिए हैं। सूर्य कुमार यादव से कई सारे सवाल पूछे गए। सबसे पहले उनसे सवाल पूछा गया कि इस सीरीज को आप किस तरीके से देखते हैं। उन्होंने कहा कि नई सीरीज है, नया जोश है, जो नए लड़के आ रहे हैं उनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल भी है, टैलेंट भी है, इसके अलावा जोश भी जो है वो नया नजर आ रहा है। इसके अलावा उनसे पूछा गया रोहित शर्मा की अप्रोच को लेकर, तो उन्होंने कहा जिस तरीके से हमारा पूरा टूर्नामेंट था वो एक शानदार टूर्नामेंट था, हम सिर्फ फाइनल हारे लेकिन उससे पहले हमने डोमिनेट किया था और उसमें अहम भूमिका निभाई थी रोहित शर्मा ने, जिन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया था। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के जैसी अप्रोच है वैसी अप्रोच T20 में भी दिखाने की जरूरत होनी चाहिए। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि क्या आप उस हार को भूल चुके हैं जो वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मिली थी, तो उन्होंने कहा कि जब अगले दिन हम सुबह उठे तब भी हमारे जहन में वो हार चल रही थी और शायद कई दिन तक हमारे जहन में ये हार चलती रहेगी, लेकिन जब आप उठते हैं अगले दिन तो एक नया सवेरा होता है, सूरज नया निकलता है, नया दिन होता है और ये टीम जो है वो नई है, कॉन्फिडेंस इनका हाई है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगले साल जून में T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है, तो उस लिहाज से अब यहां से हर एक सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने प्लेयर्स को भी कुछ नसीहत दी है। सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैंने सभी प्लेयर्स को सिर्फ एक ही नसीहत दी है कि फियरलेस क्रिकेट खेलें, सेल्फलेस क्रिकेट खेलें, अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स की तरफ ना देखें, अपने पर्सनल माइलस्टोन्स की तरफ ना देखें, टीम के लिए क्या बेटर है वो करें, जाएं और जैसा आपका नेचुरल गेम है वैसा ही गेम खेलते हुए नजर आए। सामने चाहे ऑस्ट्रेलिया है चाहे कोई भी टीम है, आप फियरलेसली खेलें, सेल्फलेसली खेलें, इसी तरीके से टीम इंडिया की अप्रोच जो है वो रहने वाली है। फिलहाल अगर बात करें इस सीरीज की तो 5 T20 मैचों की ये सीरीज है। 3 दिसंबर को आखिरी मुकाबला खेला जाएगा, वो मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। उसके बाद टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका जाना है, वहां पर T20 टेस्ट और वनडे सीरीज खेली जाएगी। यहां पर सूर्य कुमार यादव ने तो ऐलान कर दिया है कि टीम इंडिया फेयरलेसली खेलने वाली है, हार का बदला आप कह सकते हैं इसे, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार और एक बायलेटरल सीरीज में मिली हार वो एक अलग चीज होती है। बायलेटरल सीरीज में आप जीत जाए, क्या हार का बदला वो पूरा हो पाएगा, ये शायद अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सूर्य कुमार यादव को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।